हर चीज की भी एक हद होती है, बोलने की भी एक सीमा होती है, चुप रहने की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है हद होना। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ। प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो कर देनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है देयर इज अ लिमिट ऑफ, इसके बाद अगर नाउन आएगा तो ऐसे ही लिख देंगे, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के लिखना पड़ेगा, और इसके बाद टू। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और व्यवस्थित से क्लियर हो जाए। मोबाइल चलाने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ ऑपरेटिंग अ मोबाइल टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ ऑपरेटिंग अ मोबाइल टू। बोलने की भी एक सीमा होती है या फिर बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। चुप रहने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ बीइंग साइलेंट टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ बीइंग साइलेंट टू। हर चीज की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग टू। झूठ बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ लाइंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ लाइंग टू, और यू कैन से देयर इज अ लिमिट ऑफ टेलिंग अ लाई टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ टेलिंग अ लाई टू। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। हर चीज की एक हद होती है, There is a limit of everything. There is a limit of everything.